गाइस, देखिए क्या हो गया है। हवा आज चल रही थी तो मैं अभी टेरिस पर आई हूँ तो देख रही हूँ कि मेरे 3 पॉट बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, और ये जो मैंने ट्री बनाया था ट्री के ब्रांच से, वो भी गिरकर अब लगता है कि अस्थाई जैसा नहीं है कुछ। और ये कैटल पिलर भी देखिए, सब कहाँ कहाँ मेरा पॉट हो गया है, तो सबको अभी ढूंढ कर सही करना है। तो काफी मतलब नुकसान हो गया है हवा के चलते, काफी तेज हवा थी। ये रहा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस जो ब्रांच को मैंने बनाया था उसको इसमें मिट्टी में दबा दूं ताकि इसके गिरने का डर नहीं रहे। और ये देखिए मेरा प्यारा बेबी सनरोज कैसा गिरकर, चलिए थैंक गॉड बचा हुआ है, तो इसे मैं कहीं पर हैंग कर देती हूँ फिर से। काफी प्यारा मेरा बेबी सनरोज है। समर का मतलब हैंगिंग बास्केट का ये सबसे खूबसूरत प्लांट है। और देखिए कबूतर भी मेरे गार्डन में आया है, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज अभी दिखाने वाली हूँ, सरप्राइजिंग। तो गाइस बहुत ही सरप्राइजिंग चीज अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा क्लांचो का पौधा था। जब भी मैं वाटरिंग के लिए आती थी तो इसमें से एक चिड़िया उड़ती थी, तो मैंने जब अभी देखा कि कोई चिड़िया नहीं है तो मैं सर्च करने लगी कि इसमें आखिर है क्या। तो आप देखिए एक प्यारा सा इसमें घोंसला बना हुआ है चिड़िया का, और कुछ दिन पहले इसमें चिड़िया थी, मैंने छुप कर उसका शॉर्ट्स बनाया था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए कितना प्यारा सा एक घोंसला इसमें बना हुआ है चिड़िया का, तो वो वीडियो शॉर्ट्स जो मैंने बनाया है वो लगाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे इसमें चिड़िया थी। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो बिल्कुल एकदम उसका बच्चा छुप कर एकदम उसमें पड़ गया था, जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो मुझे काफी खुशी हुई कि मेरे गार्डन में अब चिड़िया सब आकर घोंसला बना रही है, अंडे दे रही है, और उसमें से बच्चे निकल रहे हैं, तो मेरा तो गार्डन लगाना ही सार्थक हो गया। गाइस गर्मी में जो पौधे हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। खूब पानी मैं आकर शाम में देती हूँ, सवेरे तो दे नहीं पाती हूँ, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल होता है तो सवेरे मैं दे नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मैं शाम में इसको पानी देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे आती हूँ जब शाम में इसमें वाटरिंग करने, तो बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं। पता नहीं अभी इतनी गर्मी यहाँ पर है कि मतलब कि पौधे एकदम बेदम हो चुके हैं। तो गाइस मैं तो सब्जी लगाती नहीं हूँ, लेकिन एक कद्दू का छोटा सा पौधा देखी कि एक पॉट में उग आया था, तो मैंने उसको इस बड़े वाले कार्टून में लगा दिया है, और ये देखिए कि बड़ा हो रहा है, और इसमें देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं, और हो सकता है कि एक दो कद्दू फल भी जाए। तो इसे मैं अभी इसमें लकड़ी लाई हूँ और इसको लगा दूंगी ताकि ये उस पर अच्छे से हो सके, चढ़ सके इस पर, और अच्छे से जो कद्दू है वो फल सके। तो गाइस मेरे पिटूनिया के खूबसूरत फ्लावर जो थे, जिसे देखकर हम लोग कभी कितना खुश हुआ करते थे, वो सब अब देखिए सूखे के ढेर में बदल चुके हैं। और ये है मेरा बोगनवेलिया जो समर में पूरा खिल रहा है, पिंक पिंक फ्लावर, उसको देख के मेरा मन बिल्कुल खुश हो जा रहा है। कितना भी समर हो, भिंका ने मेरा मन खुश कर दिया है। व्हाइट जो भिंका सदाबहार जिसको कहते हैं, पूरा फूल एकदम ब्लूमिंग पर चल रहा है, तो मुझे इसी के लगता है समर में इसी को हर पॉट में अब लगाना होगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी भी देना फूल को, फ्लावर पॉट सब सूखे रह रहे हैं, तो इस तरह इस बार मैं भिंका ही लग रहा है कि ढेर सारा लगाऊंगी सब में। ये देखिए मेरा पाइन ट्री जो है ये भी खूबसूरत हो गया है, खूब अच्छा एक नया सा निकला है इसमें से। और एक चीज और मैं दिखाना चाहती हूँ, और वो है इफोर्बिया मिली, कितना खूबसूरत इसका ग्रोथ हो रहा है। समर सीजन में भी ये बिना पानी के ही काफी ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे ही प्लांट समर के लिए जो होते हैं ज्यादा अच्छे होते हैं, जिनको पानी कम देने से भी वो हरे भरे रहे।
और मैं जेड प्लांट की टोपियारी बना रही हूँ, तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने ब्रांच लगाए थे और आज देखिए कितना इसका ग्रोथ हो चुका है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपने टेरिस की सफाई करने, क्योंकि एक छुट्टी संडे का दिन ही मिलता है जिस दिन मैं गार्डन की सफाई कर पाती हूँ, बाकी दिन केवल वाटरिंग करके चली जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ गार्डन की सफाई करने और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।